हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डायवर्टर गेट के बारे में स्टडी करेंगे कि डायवर्टर गेट कैसे काम करता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये इस वाले सेक्शन में ये रिजेक्ट है हमारा, और इधर देख रहे हैं आप नीचे कन्वेयर बेल्ट है जो कि डायरेक्ट फिटिंग हमारा मिल में होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं डायवर्टर गेट काम कैसे करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एयर लाइन आया हुआ है, यहाँ पर FRL है, इसे FRL बोलते हैं। तो इसके थ्रू एयर लाइन जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं होस के थ्रू ये जो एयर लाइन है ये न्यूमेटिक सिलेंडर में प्रेशराइज होकर रहता है। ये हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर है और ये हमारा डायवर्टर गेट का लीवर है। जब हमारा इसका जो स्ट्रोक आता है, जब इसका पिस्टन बाहर आता है, तो हमारा ये इस लीवर के थ्रू डायवर्टर गेट ऑपरेट हो जाता है। अब क्या है, कभी कभी क्या है, ये रन फॉल्ट आ जाता है इसमें। तो रन फॉल्ट के टाइम में एक्चुअली होता है क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। तो ये जो इसका सेंसर लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, अभी जो इसका ये पोजीशन है इस सेंसर पे लगा हुआ है। रन फॉल्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि अगर CCR से कमांड दिया गया डायवर्टर को, तो ये जो लीवर है इसका जो सेंसर के पास लगा है, वो इधर आकर के इस सेंसर पे आके पास आना चाहिए। बट ये जो लीवर है ये इस सेंसर पे ना पहुंच के बीच में ही कहीं रुक जाए, तो उसे हम लोग रन फॉल्ट कहते हैं। और ये बीच में क्यों रुकता है, उसका रीज़न यह होता है कि ये जो हमारा मेन डाइवर्टिंग गेट है, आप देख रहे हैं, ये जो हमारा मेन डाइवर्टिंग गेट है, ये देखिए, ये अभी रिजेक्ट की तरफ डाइवर्ट किया हुआ है। तो ये जो है, तो इसका जो स्ट्राइकिंग है, ये देखिए, इस प्लेट का जो स्ट्राइकिंग है यहाँ पे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक लम्स है, तो यहाँ पे कोटिंग जम जाते हैं। कोटिंग जम जाने की वजह से जो प्लेट है हमारा, वो प्रॉपर वे में अपना लिमिट नहीं ले पाता है, प्रॉपर अपना जो पाथ है कन्वे नहीं कर पाता है, पूरे पाथ को ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो हमारा यह सेंसर है, वो इसका जो लीवर है दूसरे सेंसर के पास प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से वो रन फॉल्ट का अलार्म CCR में शो होता है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कोटिंग, ये जो कोटिंग मैंने आपको दिखाया, जो प्लेट स्ट्राइक हो रहा है जहाँ पे आकर के ओपन और क्लोज हो रहा है, इस वाले पोर्शन को हम लोग पूरे कोटिंग को अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन करने के बाद, और आप ये देख सकते हैं हैमर का, ये रनिंग में हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ को हैमर करते हैं ताकि इसमें कोटिंग ना जमे। और उसके लिए हम लोग मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ से कॉइल लगा हुआ है जिसके थ्रू मैनुअली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे, ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये एक स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू, ये दोनों स्क्रू से हम लोग नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको घुमाएंगे तो हमारा जो ये अभी लीवर है डायवर्टर का, वो रिजेक्ट से साइड से मेन कन्वेयर बेल्ट का जो डायवर्टिंग गेट है उधर ऑपरेट हो जाएगा। और किसी भी तरह का आपका कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी मदद कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे के कारण हमारे जो भी वीडियोस, जो भी टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगे, आपको उससे नई नई जानकारियां मिल पाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।